एलांट्रा हाइब्रिड है जिसमें हम बैठने लगे हैं, वो इसको भी देख लेते हैं। इसकी प्राइस क्या है? वेलकम एवरीवन, आज जा रहे हैं हम पापा मोटो शो पे, जो कि जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर पे है। और हमारे साथ नन अदर देन गाड़ियों के एक्सपर्ट, इस वक्त सलाद खाते हुए, वो भी महंगे वाला, सुबह सुबह, अच्छी बात नहीं। हम लोग आजकल ना डाइटिंग पे थोड़ा तो हम लोग जा रहे हैं उस ऑटो शो पे, क्योंकि बहुत सारे नए ब्रांड, मतलब ब्रांड्स ने नए सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं, तो हमें गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। तो हमने कहा ये बीच में इंटरप्शन करके ना ट्रैवल ब्लॉग को, तो ये वाला हम जो है ना वीडियो डालेंगे, क्योंकि ख्वाज साहब हमारे साथ है। और ख्वाज साहब आए निसान की कौन सी एक्सट्रेल पे, एक्सट्रेल कौन सी मॉडल, 2023 की है। तो इसका रिव्यू हम बड़ी दास सोचते हैं, बल्कि पार्क व्हील्स पे आ चुका है इसका, है ना, पार्क व्हील्स पे। ख्वाज साहब खुद नहीं आए थे, ख्वाज साहब ने सिर्फ गाड़ी दी थी। ये थोड़ा एक्सट्रेल के बारे में बताए ना इधर होके, थोड़ा मुंह वैसे ही है, किसी के पास है नहीं अभी तक। हाँ जी, ये बिल्कुल हम ही ने पहले में हुआ है, ये सबसे पहले। हाँ। और ये जी सिलेक्शन के अंदर है, और ये मेरा ख्याल है अभी तक एक ही है पाकिस्तान के अंदर टोटल। पैनोरामिक रूफ टॉप नहीं आता, नहीं इसमें पैनोरामिक नहीं आता, वो 2024 के अंदर जो है पैनोरामिक रूफ आया इसके। इसके सीसीज कितने हैं? ये 1500 सीसी जो है ऑल व्हील ड्राइव है और ई पावर है। बेसिक इसकी जो है इंजन जो है वो बैटरी को पावर करता है, और बैटरी आगे से गाड़ी को जो है ना। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस 190। पर्पस हमारा यहाँ आने को है कि एक तो आप लोगों को भी दिखा दें, और दूसरा ये कि हमें खुद गाड़ियों का बहुत शौक है, तो जिसकी वजह से हम लोग इधर आके ये नए ईवीज और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक्स ये मॉडल हम चेक करने हैं। अंदर रश तो ठीक ठाक है, और ये जिस तरह टोयोटा का बूथ है, दिस इज होंडा, होंडा में तो HRV RS ये सारी चीज़ें वही हैं, टोयोटा क्रोला क्रॉस, इन दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है ना, होंडा ना टोयोटा। हाँ। तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो भाई होंडा भी अपनी जो है ना EHEV लेकर आ रहा है पाकिस्तान में। अब ये कौन सी शेप, कौन सी होगी? HRV को कौन सी जेनरेशन जो नहीं अभी चल रही है यार, होंडा का इंजन चेक करो, ये चेक करो CD70 का इंजन लाइफ, सिंगल पिस्टन, ये कौन सा 125 का यार, इतना मजे का लग रहा है चलते हुए, ड्राइव शाफ्ट सारा, ये पहली बार देखा मैंने इधर होते हुए। और औरतों के लिए वो ड्राइविंग टेस्ट भी है भाई साहब। ये क्या बाऊ BAW बाऊ है ये बाऊ, इसमें फाद बैठेगा ना इस वाली में, ये के अंदर बाऊ, बाऊ के अंदर बाऊ होगा और फाद ही होगा, और टू डोर में तो बिल्कुल ही फाद होगा। वो देखो ये टू डोर है, और ये भी है, और ये इलेक्ट्रिक बाइक से अगर आवाज कम आ रही हो तो माजरत है भाई, हर जगह म्यूजिक बहुत है। दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक बाइक जो के स्कूटर्स और बाइक, यार फाद ने तो लिया भी था इनफैक्ट, ये भी इलेक्ट्रिक है, रमजा ई बाइक न्यू एशिया। मजे की बात है इस दा ई बाइक्स और स्कूटर ज्यादा आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू गाड़ियां, तूने नोट की है? बहुत ज्यादा वैरायटी रेंज जो के अच्छा है यार, स्पेशली जिनके सोलर लगे हुए आना, अगर ये बैठा ना तो बड़ा ही अजीब लगा, बैठो जरा पता लगेगा साइज है क्या एक्चुअली स्कूटर का, ये देखना छोटा है बड़ा है। हाँ ये देख, स्कूटर जो है स्कूटर छोटा लग रहा है, नहीं नहीं ठीक लग रहा है, इसका मतलब मैं बैठूंगा तो छोटा ही होगा। इन्होंने इनक्यू 5N इनलाइन आइकॉनिक 5N इनलाइन नॉन, ये चेक करते हैं।
Hyundai Elantra हाइब्रिड है जिसमें हम बैठने लगे हैं, वो इसको भी देख लेते हैं। इसकी प्राइस क्या है? कौन सी है जो हंडाई की वहाँ खड़ी है, जो जिसमें ये स्पोर्ट्स वर्जन है? ये बेसिकली उसकी कॉपी है ना, फ्रंट एंड बैक के अंदर जो है ना पोर्स की कॉपी आ जाती है 911। हाँ, स्पोर्ट्स वर्जन की है। लेकिन वो जो एन लाइन है वो प्योरली स्पोर्ट्स वर्जन की है। अच्छा अच्छा। हाँ, हंडाई जो है वो प्लान कर रही है ये दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल करने का। हाँ, और अभी जो 23 मिलियन की है या 15 मिलियन की रेंज में आ रही है। अच्छा। लेकिन ये सारे CBU हैं, ये सारे CBU हैं जिसकी वजह से गाड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये वाली खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। ये आयोनिक 6 जो है ये बेसिकली 911 की कॉपी है बैक। मतलब देखिए जिस तरह खोती है सारा कुछ तो है, तो शशक ही पूरा है। Yeah.
हमारी पोर्श पैनामेरा की कॉपी है, मतलब हमारी तो नहीं है पोर्श की, बट पैनामेरा की कॉपी हो रहा वो 07 है। मुझे पर्सनली तो पूछो तो मुकाबला ही नहीं नज़र आता बिटवीन पोर्श एंड दिस। वो बहुत खूबसूरत है, वो एलिगेंट है और बड़ी है एंड बट ये थोड़ी ना ओल्ड स्कूल कम कुछ मिलती जुलती है बैग से, देखते हैं क्या। वैगन की थोड़ी सी कॉपी है और ये इसके स्पेक्स हैं, ऑलमोस्ट 9 मिलियन। और ये सारे आप रोक के डिस्प्ले चेक कर लेना। वेरिएंट लॉन्च करने का सोच है, वेयर यू गॉट दीज डोर्स, नाइस स्पोर्ट्स कार एंड येलो में तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक बाय द वे, सारी सीजर डोर्स है इसके ऊपर और ये रिम्स P0 फिटा है और 275 R20 20 इंच का रिम। पीछे से जो है ना बहुत एलिगेंट है, मतलब स्पोर्ट्स कार्स का मुझे पर्सनली बहुत शौक है। और ये वाली जो है साइबर स्टार पीछे से बहुत खूबसूरत, थोड़ी अगर मार खा रही है ना तो ये सन, अगर ये हार्ड टॉप होती तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। अंदर से दिखाने की इजाज़त नहीं है, मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं दी। MG की ये वाली की तो ये MG HS PHEV की तो क्या ये है मार्केट में इनका प्लान देने का? इसकी बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो। HS प्लग इन हाइब्रिड के साथ ये वाली इन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च किया और नॉट मच डिफरेंट। ये इंजन पे है प्लग इन हाइब्रिड, ये वाला सिस्टम सामने लगा हुआ है। इसके बारे में शो कराने को है नहीं तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट किया के पास, क्योंकि वो लास्ट है जो ने 1 करोड़ की है। हाँ 10 मिलियन 2 मिलियन से बुकिंग और डिलीवरी जनवरी। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है जो इनकी है ना नई, कौन सी है इनकी नई वाली EV5 ये जो है ना, ये असल में ये EV5 हाँ ये सही बड़ी चीज़ है। 185 और 235 दो स्पेक्स हैं इसके। अच्छा और प्राइस? एक लॉन्ग रेंज है और एक शॉर्ट। यार ये कलर भी बड़ा प्यारा है इसमें आया, वैसे वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट
फ्रॉम द रेगुलर, मतलब ये सिल्वर अच्छा है और ये साइज वाइज अगर मुझसे पूछो तो ये अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी। इस गाड़ी का शूट हो रहा है तो मैंने कहा आपको ये दिखाता चलूँ। ये वाला डिफरेंट है, अब इसकी बूट कैसे खुली है ये देखते हैं, लेकिन इतने में अंदर से दिखाते हैं आपको। जो हम तीनों देखने आए हैं ना, वो तो देखने आए BYD बिल्ड योर ड्रीम। तो उसका शार्क जो है फैजान को सबसे ज्यादा काट रहा है, मिलना नीमो है। हम खूबसूरत जो है ना वो सी लाइन बेबी शार्क का डू 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 सी लाइन। सबसे पहले आ जाते हैं BYD शार्क। इट्स डिफरेंट, इट्स बिगर देन टोयोटा रिवो। कॉन्टिनेंटल के टायर्स, शॉक्स, बल्की है। और पीछे से देखें तो इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव BYD शॉक 6। ये आपको नजर आ रहा है इसका कैबिन। यू गॉट कंप्लीट टेल लाइट जो के कनेक्टेड है विद द मेन लाइट। वीवो से बहुत बढ़िया है और वाकई पता लग रहा है कि कोई सॉलिड चीज है। रिवो तो बिल्कुल ही एक बच्चों वाली लगती है इसके सामने। इधर से आके देखना, इस एंगल से देख तो रिवो तो इसके सामने चूचा लग रही है। ये प्रॉपर बल्की चीज जो के बड़ी है। अगर तू ये देख, ये सभी बैक वाला हाइब्रिड है 1500। इसका रूफ हाइट ज्यादा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं ओवरऑल, हाँ सबर नहीं हो रहा अंदर, लेकिन अंदर से नहीं अभी देख सकते। सील इनकी टेस्ला किलर और ये इनकी जो है वो रिवो किलर हो। फिजान जो है पत्थर के ऊपर पैर रख के सहारा लेके मुझे वैसे करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अब ये प्राइस के ऊपर है कि CBO की प्राइस क्या है। गाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन CBO की कम नहीं, मुझे नहीं लगता ये कम होगी। अभी प्राइस इन्होंने रिलीज तो फिजान ने तो अपनी बल्कि तस्वीर भी खींच लिया, कलर भी चूज किया हुआ है, लेकिन मोटापा वहाँ का वहीं है। कोक इसको मैं पिला देता हूँ तो वापस हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत शॉक्स वगैरह, पीछे पीछे शॉक्स देखो, पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना इसकी चीज देखने की। शुक्र है यहाँ म्यूजिक टाटा पीपी नहीं हो रहा कि हम देखना कमानिया नहीं है, विच इज वेरी गुड थिंग। खैर पीछे से नीचे देखते क्योंकि आप लोगों को ये देख, शॉक्स है कंप्लीट शॉक्स है। तो दिस इज डेफिनेटली भाई वर्थ इट। दरवाजे का साइज ही चेक कर यार, डाला तो कुछ भी नहीं है उसके सामने रिवर्सी, वो तो फारिग है। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस क्या लॉन्च करते हैं, बट मेरी तरफ से तो यार अगर ये प्राइस CBO की एक अच्छी आई तो शायद हम इसके चक्कर में जाए। टेस्ला किलर को भी देखा जाए, डाला किलर तो देख लिया है। टेस्ला आयोनिक 6 में और टेस्ला किलर में क्या फर्क है? चलो जी Okay.
ये आगे BYD की ऑटो 3 जो कि इनकी अगेन क्लीन सेरम और भाई साहब ये क्या है, ऑल इलेक्ट्रिक है, नवेला की अंदर से देखते हैं, रश एक्चुअली बहुत लगा हुआ है, लेकिन 90 लाख में भी साइज वाइज अगर मुझसे पूछो तो बहुत अच्छी है। ये जो है ना अब सामने प्लेटफॉर्म है, ये पूरा गाड़ी का सिस्टम है जो कि आपको एक बैटरीज भी इसके अंदर बैटरीज अगर यहाँ ये भी है ना, ये इंजन वन है इनका, ठीक है ना, 1.5 लीटर, ये 1.5 लीटर टर्बो वाला है इनका, ठीक है ना, इधर आ जरा, तो ये बैटरीज हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये नीचे आपकी ब्लेड बैटरीज लगी होती हैं सारी, यू गॉट यहाँ स्टेयरिंग कॉलम, सारा कुछ, सस्पेंशन एज यूजुअल, और ये है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम जो कि आपको एक शोकेस में उन्होंने दिखाया ताकि आपको समझ आ सके कि मोर और लेस है क्या निज़ाम। और अगर हम इंजन वाइज चलें तो इधर आते हैं, अगेन ब्लेड बैटरीज हैं, हाई वोल्टेज एनर्जी फ्लो है सॉरी, और ये आपकी आ गई इन्वर्टर असेंबली, और ये 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, C-Line 6 नहीं ये 1500 है, तो C-Line 6 1500 है ना। अच्छा, तो दिस इज एक्चुअली इंजन साइज के हिसाब से, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी नज़र आ रही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, नीट क्लीन, मतलब ये वो है जो 1100 किलोमीटर करती है, और सिंगल चार्ज प्लस फ्यूल, ये सिंगल टैंक, लाहौर टू कराची, तो सुनील मज ने ऑलरेडी इसके साथ जो है वो एक दफा, ये C-Line 6 है, ये C-Line 6 जो कि जिसकी प्राइस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 170 है, ये CBU है। दोबारा हम आ जाते हैं BYD ऑटो 3, इसकी स्पान कहाँ से बूट खोलनी है, क्योंकि ये बड़ा सीन है देखने का, आजकल लोग बूट स्पेस बहुत देखते हैं गौर से, बिकॉज दैट इज नेसेसरी, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, मतलब साइज के हिसाब से ठीक है, 40-50 लीटर तो होगी बूट स्पेस, और इसमें ऑटो ट्रंक का वगैरह सीन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस वाइज देखे तो ये चीज़ें नहीं मिले। ये अंदर से देखते स्पोर्टेज के साइज की है, स्पोर्टेज से थोड़ी बड़ी है मेरा ख्याल तो, यही है ओवरऑल नाइस क्लीन सेटअप, फिन्स विंडो सेम साइज एज मेरा ख्याल है कि आपके स्पोर्टेज की। फाइनल हम आए डिपाल S07 जो लॉन्च इनकी हुई है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, पिनलेस डोर्स, काफ़ी यूनिक बैक है, खूबसूरत लुकिंग है, ट्रंक स्पेस ठीक ठाक ज़्यादा है, सॉरी म्यूजिक थोड़ा ऊंचा है, तो इलेक्ट्रॉनिक बूट चार्जिंग स्टेशन ये सामने, व्हील्स बहुत खूबसूरत है, काफ़ी लाइट्स है, और अगर मैं बात करूँ तो ये आपको नजर आएगी इसकी L07 यार, इसकी बैक काफी खूबसूरत है, ये जो लाइट है ना ये काफी यूनिक भी है, वेरी इंटरेस्टिंग के चाइनीज जो है आप जो गाड़ियां निकाल रहे हैं, एक टाइम पे पोर्स या ऑडी या उस तरह होती थी, आज ये चाइना की क्या यूनिक लाइट है। उस्मान के मुताबिक सारी हवावे की टेक्नोलॉजी है, सॉरी फिर से म्यूजिक मेरे सिर पे लगा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अंदर से बैठ के देखते हैं कि क्या इसका the
वाली गाड़ी को गौर किया जाए तो ये लैम्बोर्गिनी की रेस की बहुत बहुत कॉपी है। मतलब मुझे तो बहुत रिसेम्बलेंस मिली है दीपाल के अंदर। जो ये है एस है वो एल है, एस स्टैंड फॉर इनकी जीप वाली सेगमेंट। तो दिस इज लाइक मुझे बैक से तो लग रही है लैम्बोर्गिनी यूरस है। साहब ये बताएं ये जो डिपाल की S7 थी और L17 की प्राइसेस क्या है? एक जो है 14 मिलियन की और एक 15 मिलियन। कौन सी वाली? 139 जो L थी वो 139 थी और जो S थी वो 139। S की तो पैनोरामिक रूफटॉप एंड तक जाती है जो उसकी कमाल बात है। बाकी की प्राइस BYD की बता दें। S6 BYD की जो इनकी इलेक्ट्रिक है, फुली इलेक्ट्रिक है सील की, उसकी इन्होंने 180 निकाली और 150 निकाली है, सॉरी 170 और 150। और शार की अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। और एटो की जो है वो 9 मिलियन। और उसके अलावा जो वो किया की EV5 है 185 और 235। अच्छा बड़ी रटी हुई है आपने माशाल्लाह। अच्छा, लगता है सारा दिन रात यही काम करते हैं। MG 10 मिलियन की लॉन्च की है PHEV। अच्छा, सबसे जो पहली दफा ऐसे हिस्ट्री में हुआ है कि हम किसी शो पे आए ये गाड़ियों वाली जगह पे और होंडा के अंदर उठे उठे जाना ही नहीं मुराद। सुजुकी तो ऐसे ही लग रही थी कि वो ही ना खड़ी है बेचारी, वो नहीं होती बिग थ्री जो है चारदा तलाकशुदा, उनका खत्म हो गया। बिग थ्री नहीं होते चारदा तलाकशुदा नहीं होती वो लग रही थी। और ये जो बाकी थी मॉडर्न डे अप टू वर्जन सारी CBU थी। CBU की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी इनकी प्राइस। तो ये कब तक मैन्युफैक्चरिंग का है? नेक्स्ट ईयर के अंदर इनका प्लान है यार। वैसे दिल तो उसी पे BYD शाह कभी डिसाइड कर लेते लेना है कि नहीं लेना, उसका 90 kg वाला जो है वो हो जाता। आपको लग रहा है ना हमने शार के अंदर व्हील को फिट करना था, बट अब डॉल्फिन करके करेंगे। इस वीडियो को यहाँ ही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोनों अब मजाक के मूड में आ गए हैं। ओके।